नमस्कार मेरे प्यारे मित्रों, मैं पंडित राजगुरु शर्मा, आप सभी का हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आज हम बताने वाले हैं कि 10 जनवरी 2020 में जो चंद्र ग्रहण पड़ने वाला है वो कहां कहां दिखाई देगा और किस टाइम से किस टाइम तक ये रहेगा और इसका 12 राशियों पर क्या असर पड़ेगा, सूतक लगेगा या नहीं लगेगा, इस बारे में आज हम विस्तार से बताने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपने अभी तक हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे शब्द ज्ञान यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको हमारी आने वाली हर ऑडियो वीडियो समय समय पर देखने के लिए मिलते रहे। तो मेरे प्यारे मित्रों, मैं सबसे पहले आपको टाइम बता देना चाहता हूं कि इस चंद्र ग्रहण का जो टाइम होगा, शुरुआत और समाप्ति काल कब तक रहेगा। तो ये 10 जनवरी दिन शुक्रवार रात्रि 10:37 से शुरू होगा और 2:42 के लगभग तक ये चंद्र ग्रहण समाप्त होगा, यानी कि लगभग 4 घंटे 5 मिनट तक ये इसका टोटल समय रहेगा। लेकिन इसका सूतक नहीं होगा, नहीं इसका सूतक लगेगा, क्योंकि ये चंद्र ग्रह जो उच्च छाया चंद्र ग्रहण है इससे किसी को कोई दिक्कत नहीं है, इसका सूतक नहीं लगता है। अब रही 12 राशियों की बात, तो ये 12 राशियों पर क्या असर करता है, इससे पहले हम बताना चाहते हैं कि ये कहां कहां दिखाई देगा। ये भारत में, यूरोप में, ऑस्ट्रेलिया में, अफ्रीका में और एशिया में दिखाई देगा। रहे इसकी 12 राशियों पर इसका असर क्या होता है, यह मैं भी आपको बताने वाला हूं। इस चंद्र ग्रहण का लगभग सभी 12 राशियों पर शुभ असर रहेगा, अच्छा प्रभाव होगा, किसी पर कोई हानिकारक या कष्ट भरा या बुरा असर नहीं होगा। इसलिए आप चिंता ना करें और आप परेशान होने की जरूरत ना करें, क्योंकि इस चंद्र ग्रहण से 12 राशियों पर कोई भी असर नहीं होगा। लेकिन आपको उपाय करना है कि जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए तो आपको सफेद वस्तुओं का दान जरूर करना है, चाहे चावल हो, चाहे सफेद वस्त्र हो, चाहे चीनी हो या बूरा हो या कोई भी वस्तु हो सकती है, आप सफेद चीजों का जरूर दान करें। यदि आप कुछ नहीं कर सकते हैं तो 1.25 किलो चावलों का दान जरूर करें, इससे जो छोटा मोटा प्रभाव है वो खत्म हो जाएगा। मेरे प्यारे मित्रों, मैं आपका बहुत ही कम टाइम लेता हूं और जो जरूरी होता है वो ही आप तक संदेश पहुंचाने की कोशिश करता हूं। यदि आपको मेरा बताया हुआ राशिफल, ये संदेश, ये मैसेज अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना और कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना। इसी के साथ आप सभी मित्रों को, मेरे भाई बंधुओं को नमस्कार, फिर मिलूंगा नई ऑडियो वीडियो के साथ। जब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।